छिंदवाड़ा जिले के तामिया क्षेत्र के ग्राम लोदगुड़ा में हुआ अनुष्ठान। तामिया ब्लॉक की पंचायत लोदगुड़ा में आदिवासियों के आराध्य देव सराफेन की प्रतिमा स्थापित की गई। उनका दादाजी मानसिंह रुद्नाती ने आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार पूजन प्रक्रिया करवाया एवं हवन कुंभ में आहुति अर्पित किया। लोदगुड़ा में स्थापित बड़ा देव सराफेन की विशाल संगमरमर प्रतिमा को जबलपुर से बनवाकर बुलाया गया। छिंदवाड़ा जिले में स्थापित यह सबसे सराफेन प्रतिमा है। हजारों की संख्या में आदिवासी समाज आज एकजुटता को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अगर आदिवासी समाज एकजुट हो गया तो किसी भी पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकती है। परासिया सिटी इनसे शेख फरीद की रिपोर्ट। आज हमारी संस्कृति लुप्त हो चुकी है और उसको आगे लाने के लिए हम लोग जो है प्रचार प्रचार प्रसार पर लगे हुए हैं और समाज को जगा रहे। जो हमारे धर्म जो है संस्कृति जो है हम लोग भूले हुए हैं। हमारी संस्कृति घर से लगा करके खेले जो भी है इसके लिए हम लोग जगत कर्म को बता रहे कि चीज़ जो हमारी है उसको मानना चाहिए। जो हमारी सही चीज़ है उसको हमको समझना है। क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लिए काम के लिए? देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि सभी भाईचारा से रहें और इस चीज़ को माने और समझें और अपना अधिकार जो है अपने अपने धर्म है उस पर चले। आप किसी धर्म की बढ़ाई नहीं करते हैं और किसी धर्म में आलोचना नहीं करते क्योंकि हम जो चाहते हैं कि सभी एक भाईचारा से रहें और सभी मान सम्मान। गोंडवाना के लिए क्या कहेंगे? गोंडवाना के लिए देखिए हम ये चाहते हैं कि हमारा गोंडवाना लैंड आज से नहीं आदि काल से है और इसको हम लाना चाहते हैं क्योंकि ये लुप्त होने जा रही है। जैसे हिंदुस्तान की बात आती है तो सर मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान ऐसा कोई ग्रंथ में लिखा नहीं है और जहाँ तक है भारत के नक्शा में भी कहीं नहीं समझ में आता। तो इसलिए गोंडवाना लैंड जो है हम लोग जो भूले हुए उसको हम लाना चाहते हैं जैसे क्योंकि इसको हम जानना चाहते हैं और हमें जो सारी चीज समाज जो है इसको जाने और समझे और देश को आगे बढ़ाए। थैंक यू बहुत बहुत। सिटी इन लाइव हमेशा समाचार के साथ।